गुड मॉर्निंग, आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर इंग्लिश सब्जेक्ट। आज इंग्लिश में हम आपको क्वेश्चन आंसर लिखाएंगे, ठीक है? तो नाउ टेक योर कॉपी पेंसिल एंड रेजर एंड राइट विथ मी। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब हम यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन लिखेंगे यूनिट फर्स्ट का, ठीक है? यूनिट फर्स्ट में पहला क्वेश्चन आपको दिया है, क्या दिया है? क्वेश्चन है, व्हाई इज द चाइल्ड, Why is the child in the poem happy? इस poem में ये जो बच्चा है वो happy क्यों है, इसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ अगेन। व्हाई इज द चाइल्ड इन द पोयम हैप्पी? बच्चा पोयम में हैप्पी क्यों है? तो इसका आंसर आप चलो लिखोगे मेरे साथ, आंसर लिखोगे द चाइल्ड इन द पोयम, हम यहीं से लिखेंगे, देखो आपको यहाँ से द चाइल्ड इन द पोयम हैप्पी बिकॉज सी वॉज वाइड अवे, क्योंकि अब वो जाग चुका है इसलिए हैप्पी है ना। उसने वो जब उठ जाते हैं तो बहुत हैप्पी हो जाता है। आपका पोएम क्या है? गुड मॉर्निंग। तो वो सबको गुड मॉर्निंग कर रहा था, तो यही बताना है आपको कि बच्चा हैप्पी क्यों है। तो द चाइल्ड इन द पोएम हैप्पी बिकॉज सी वॉज वाइड अवे। उसके आगे आप इतना और बता दो, एंड इट was morning now, और अब सुबह हो गई है इसलिए वो हैप्पी है। अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू होम डज The child, to whom does the child say good morning? Question mark. Question क्या है? To whom does the child say good morning? मतलब इस पोएम में बच्ची ने किस किस को गुड मॉर्निंग कहा है, इसको हमको आंसर में देना है। ओके, नाउ राइट, आंसर लिखेंगे द चाइल्ड से गुड मॉर्निंग The child says good morning to sun, sky, birds, and ईटीसी। इसने बहुत सारे लोगों को कहा इसलिए हम यहाँ पे ईटीसी लगा देंगे, ठीक है? अब इसको हम रिपीट करते हैं, अगेन रीड करते हैं। द चाइल्ड सेज गुड मॉर्निंग टू सन, स्काई, बर्ड्स एंड ट्री, ईटीसी, ठीक है? तो ये आपका
सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम सी, एक क्वेश्चन और है आपके बुक में, व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू डू, बच्चा क्या चाहता है। तो बच्चा क्या चाहता है पोएम में, प्ले करना है ना, तो वो आंसर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर सी वाला क्वेश्चन हम डालेंगे, व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू डू, ये हो गया आपका क्वेश्चन। व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू डू, बच्चा क्या करना चाहता है, तो प्ले करना चाहता है। अब इसका आंसर हम ऊपर लिखेंगे, ये हम पहला आंसर इरेज करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है ना बेटा। तो अब ऊपर आंसर हम लिखेंगे, आप उसको नोट करोगे, ओके। आंसर ये आंसर है नीचे वाले का, व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू डू। तो आप आंसर लिखेंगे, द चाइल्ड वांट टू प्ले विथ, द चाइल्ड वॉन्ट टू प्ले विथ देम, द बर्ड्स सन एंड and all of them, ये आपका answer complete हुआ। The child want to play with them, the birds, sun and all of them, वो सभी के साथ play करना चाहता है। तो इतना answer है, ये आपको अपनी copy में complete करना है, ठीक है। अब हम आपको कुछ होमवर्क देंगे, उसको आपको खुद करना है, ठीक। तो इसको अब मैं इरेज कर रही हूँ, और उसके बाद आपको जो मैं वर्क दूंगी वो आप अपनी कॉपी में खुद से कंप्लीट करोगे, और इस आंसर को आपको लर्न करना है, क्योंकि जब एग्ज़ाम या टेस्ट में आपको पूछा जाएगा तो जब आपको लर्न होगा तभी तो आप उसको लिख पाओगे या आंसर दे पाओगे, ठीक है बेटा। अब मैं आपको दे रही हूँ करेक्ट द स्पेलिंग, आपको स्पेलिंग करेक्ट करना है, ठीक। अब स्पेलिंग करेक्ट कब होगी, जब आपको पोएम लर्न होगी। ये है आपका होमवर्क, करेक्ट द स्पेलिंग। ओके, ये आपको अपनी कॉपी में मेंटेन करके हमारे पास भेजोगे तो हम उसको चेक कर देंगे, ठीक। अब आपको कुछ स्पेलिंग है जिसको आपको करेक्ट करना है। नंबर वन, अब यहाँ पर मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है, आपको राइट करना है। जैसे यहाँ क्या होगा, यस के वाई, ये हो गया करेक्ट, ये हो गया स्काई, ठीक है। वैसे नेक्स्ट स्पेलिंग को भी आपको सही करना है,
और ये सारे स्पेलिंग जो है आपके पोयम में ही है, उस पोयम से ही रिलेटेड मैं दे रही हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर आप स्पेलिंग करेक्ट करके लिखोगे और ये तभी होगा जब आपको लर्न होगा। तो ये होमवर्क आप करके मेरे पास सेंड करोगे और मैं उसको चेक करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।